இந்திகரத்தனை ஆணை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. பூழியற்கோன் விற்பொழித்த புகழியற்கோன் கடல் इससे पहले जो मंदिर देखा था वो शिव जी का मंदिर था, अभी बन रहा है, नया ही बन रहा है, लुकेश्वर महादेव के नाम से. और पंचमुखी हनुमान जी का पुराना मंदिर है, पहले से स्थापित, वो यहाँ पे है. हमने सोचा वहीं शायद पंचमुखी हनुमान जी मंदिर का ही रिनोवेशन हो रहा है, पर वो नया ही बन रहा है महादेव जी का, लुकेश्वर महादेव जी का. और ये आ गई है पंचमुखी हनुमान मंदिर. नरपति है, नरपति है, नरपति है, नरपति है. आम के टिकोले लगने शुरू हो गए. नरपति है, नरपति है. नरपति है. ये पंचमुखी हनुमान मंदिर नरपति है. ले ले ये ले ले. अरे अच्छा ये रखा है, ले ले. ले ले ले. नरपति है, नरपति है, नरपति है. ये हनुमान मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर. बंदर आया, ले गया टॉफी. नरपति है, नरपति है. ये देखिए यहाँ पे पंचमुखी हनुमान मंदिर नाम है, यहाँ बानर लंगूर बहुत ज़्यादा हैं. नरपति है, नरपति है, नरपति है. यहाँ पे एक ही मूर्ति में पांच हनुमान जी मूर्ति बनी हुई है. नरपति है, नरपति है. पांच एक ही शिला में बनी हुई मूर्ति, इसीलिए पंचमुखी हनुमान जी कहते हैं. जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. नरपति है, नरपति है. पंचमुखी हनुमान मंदिर का आश्रम ताला लगा हुआ है. अभी महाराज जी यहाँ पे कहीं बाहर गए हुए हैं. बहुत ही सुंदर आश्रम प्राकृतिक रूप से. देखिए हनुमान जी का मंदिर है तो यहाँ पे लंगूर बानर बहुत ही ज़्यादा हैं. नरपति, नरपति. जैसा स्थान का नाम वैसे ही पर्यावरण. नरपति है, नरपति है, नरपति है. देखिए कितने ढेर सारी जटाएं. नरपति है, ये वटविच
की जटाएं ऐसी हैं कि लगता है मानो बाप रे, जटाएं ही जटाएं हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, पेड़ करो देख के आनंद आ गया। देखिए कितनी ढेर सारी जटाएं, वाह। और इस पेड़ पे ढेर सारे बानर रहते हैं, मानो ये दिखाते हैं कि हाँ यही पंचमुखी आश्रम मंदिर है। नर्मदे हर नर्मदे हर, जटाएं आप देखिए कितनी ढेर सारी जटाएं हैं, और पेड़ भी बहुत बड़ा सा है। देखिए कितने आराम से आनंद से बैठे हैं। भारी विशाल पेड़ बरगद का। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, ये नर्मदा मैया। यहाँ पे नर्मदा मैया दो भागों में बट गई हैं, एक इधर से हैं एक उस पार है। नर्मदे हर नर्मदे हर, यहाँ घाट का तो पता नहीं है कहाँ पर किधर से जाना है, तो यहाँ पे मैया कई भाग में बटी हुई है। हनुमान जी की भक्तों की दौड़ भाग लगी हुई है। ओहो ये क्या, ये नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, क्या बात है। यहाँ जब भंडारा होता होगा तो इनकी तो निकल पड़ती होगी। देखिए ढेर सारे बंदर, लंगूर जाति की, हनुमान जी भी लंगूर जाति के ही थे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, मगर वो भगवान ने उस रूप में अवतार लिया था। ये झूले इससे बैठ के झूलते भी होंगे बंदर, क्या पता। சசி தங்கிய சங்கவன் தோடு உடையவன் ஊனமில்லி உறையும் இடம் ஒற்றியூரே உன் பிறை மல்கு சென்னி இறைவன் உரை ஒற்றியூரை சண்பயத்தம் தலைவன் தமிழ் ஞான சம்பந்தன் சொன்ன சீதா ரஸ்தா கி குஃபி। ये यहाँ बताया कि इन्होंने यहाँ से पास पड़ेगा एकदम सीधा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने पेड़ झाड़ भी दिखाया कि बस यहीं पास में ही है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, हनुमान मंदिर पंचमुखी हनुमान मंदिर से बस सीधे ही गन्ने के खेतों केले के पेड़ों के बीच से रास्ता। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, कि अगर हम रोड से जाते तो वापस उस रोड पे जाना पड़ता जहाँ से हम अंदर आए थे, और उसके बाद फिर वापस आना। देखिए हम इधर आने की इच्छा हुई, हम यहाँ भी आ गए और आगे का रास्ता भी मिल गया, जिसे हमें वापस नहीं जाना पड़ा। अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि रास्ता होता है या बंद होता है या थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर रास्ता मिल ही जाता है ज़्यादा करके। पर रोड से ज़्यादा कर लोग नहीं जानते हैं तो वो यही बताते हैं कि ये सीधा रास्ता है, रोड का सीधे सीधे जाओ, तो काफ़ी लंबा पड़ता है। और इसीलिए कोई इतनी दूर आना पसंद नहीं करता कि आएंगे जाएंगे फिर आना पड़ेगा। नर्मदे हर नर्मदे हर, और एक कारण ये भी है कि भाग की बात होती है कि
हमें दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, इसलिए भी हम वहाँ जा पाते हैं या किसी कारण से नहीं जा पाते, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे स्थान छूट गए हैं, ना पता होने की वजह से भी छूट गए हैं और कुछ छूट ही गए हैं। नर्मदे नर्मदे, पर जानकारी के अनुसार जितने ज़्यादा से ज़्यादा जगह हैं वहाँ जाने की कोशिश ज़रूर की है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, केले की का बगीचा, केले में की छांव बड़ी ज़्यादा घनी होती है, नीचे एकदम अंधेरा जैसा हो जाता है। केले से बगीचे, गन्ने और केले के बगीचे से होते हुए हम किनार की गुफाओं तक जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे, नर्मदे नर्मदे, हम ये आश्रम में आ गए। हमने कहा ना आप पहले पहुँचेंगे। नहीं उसके बाद नहीं मिले जी महाराज जी। नर्मदे नर्मदे, ये गिरिनारी आश्रम गुफा आश्रम है, बड़े बड़े पेड़ आश्रम भोजन प्रसाद यहाँ मिलती है। ये भैया माता जी सेवा करते हैं, भोजन प्रसादी और बाल भोग और दक्षिणा सब यहाँ मिलता है। नर्मदे नर्मदे, आश्रम के बाहर काफ़ी ज़्यादा बड़े मैदान हैं और पूरा छहादार है, बड़े बड़े पेड़ हैं। ये भी काफ़ी बड़ा आश्रम है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, ये दोनों अब मुझे पता नहीं है शिव जी और नंदी जी के बाद ये किसको स्थापित किया गया है, इसलिए जो भी हैं जो भी देवता हैं उन्हें प्रणाम की जय हो। Okay,
रघुपति 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 है नर्मदा जी। यहाँ पे नर्मदा मैया दो भाग में हो गई हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ, बीच में टापू जैसा बन गया है। रघुपति रघुपति है। आप शाम को यहाँ पे या सुबह आराम से बैठ के मैया के दर्शन करते हुए आनंद ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। स्मरण रघुपति रघुपति है। नृपति नृपति संग पादुका चरण दी नृपति नृपति नृपति। ये ध्यान करने के लिए जगह नृपति यहाँ के महाराज जी थे। अभी जो दंडवाद महाराज नृपति 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 नृपति। जैसा असम में होना चाहिए वैसे ही यहाँ पे है। असम में कुटिया जगह स्थान होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, छांदार वो होना चाहिए, जल होना चाहिए, नदी का किराना होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, चिड़िया और की चहचहाट होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है। जो जो होनी चाहिए वो सभी कुछ यहाँ पे उपस्थित है। नृपति 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 है इस आश्रम में, सभी है। नदी का किनारा नर्मदा मैया, शांति है, चिड़ियों की चहचहाट है, बानर है, सब कुछ है। नर्मदी नर्मदी है। नृपति नृपति है। नृपति है नृपति है। ये गिरी में गिरिनारेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गणेश भगवान हनुमान जी जी महाराज जी ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यहाँ पे सभी ज्योतिर्लिंग का कि चित्र बना हुआ है नाम के साथ, जो सुबह शाम 12 ज्योतिर्लिंगों का दिया हुआ है, जो कहा जाता है सुबह शाम अगर आप उसका को पढ़ते हैं, नाम लेते हैं, तो आपके को बहुत पुण्य प्राप्त होता है, बहुत सारे कष्ट निवारण होता है। अच्छा बहुत नंदी महाराज धूना गणपति है, गणपति है। यहाँ भी कमरे बने हुए हैं, जिसको एकांत में रहना हो वो यहाँ पे रह के भजन साधना कर सकता है। एकदम शांत एकांत, कोई नहीं। गणपति है, गणपति है, गणपति है। नर्मदे है, नर्मदे नर्मदे है, नर्मदे है। ये नर्मदा जी गिरनारी गुहा आश्रम का नर्मदा घाट। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये गिरनार गुहा आश्रम का घाट है। ये लास्ट वाला थोड़ा बैठ गया है। यहाँ भी किनारे पे मछलियाँ दिख रही हैं पानी में, मगर शायद साफ कम दिख रहा है धूप की वजह से। छोटी बड़ी सभी मछलियाँ हैं मुझे दिख रही हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ से दूर तक नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, बहुत दूर तक। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इस तरफ भी नर्मदे है, बहुत दूर तक दर्शन होते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। और बीच में ये जगह जो दिख रही है, इसके उस तरफ भी मैया हैं। आगे से दो भागों में हो गई हैं, आधी इधर आधी उस तरफ, और बीच में टापू जैसा बन गया है। और ये इधर का है और वो उधर का। आगे जाके फिल्म मिल गई है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये गिरनार जी की गुफा अंदर है। ये गुफा के नाम पे ये आश्रम है, बहुत प्रसिद्ध है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये ध्यान करने के लिए स्थान बनाया गया है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये तीन फ्लोर पे हो गया, एक ये, एक बीच वाला, एक ऊपर। नर्मदे है, नर्मदे है। किसी को ध्यान करना हो यहाँ बैठ के शांति से ध्यान कर सकता है। यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। असल में कुछ और भी था जो छिपाया गया है शायद, क्योंकि ये प्रसिद्ध जगह है, इतनी सी के लिए तो नहीं होगी। ये गुफा शायद इसके पीछे है, इसको ढक दिया गया शायद। नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए, ये जोर आगे फोटो लगा दी गई है, और अंदर ये गुफा का रास्ता था। नर्मदे है, नर्मदे है। और किसी कारणवश इसे बंद कर दिया गया है। नर्मदे है, नर्मदे है। क्योंकि इतने के लिए ये फेमस इतना हो ऐसा मुमकिन नहीं, इसमें कुछ खास रहा होगा। तो जैसे कि ये गुफा ये है अंदर, इसके पीछे गुफा ही थी, अब ढक दिया गया है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ढेर सारे
लंगूर ये कितने ढेर सारे लंगूर यहाँ पे देखिए। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। गणपति है गणपति है। यहाँ पे लंगूर बहुत ही ज़्यादा हैं। गणपति है गणपति है गणपति है गणपति है। गिरनार आश्रम से अब आगे जाते हुए आगे मेकल सुता आश्रम पड़ेगा। गणपति है गणपति है गणपति 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 है गणपति है गणपति है गणपति है। किनारे किनारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं जो बहुत रोड के किनारे लगे होने से अच्छे लग रहे हैं। गणपति है गणपति है। अब हम आगे मेकल सुता आश्रम की ओर जा रहे हैं। नर्मदे है गणपति है गणपति है। यहाँ पे चारों तरफ केले के का बगीचा है। केले में पानी ज़्यादा लगता है सिंचाई के लिए, इसलिए यहाँ आसपास ठंडक भी है। छाँव की वजह से तो ठंडक रहती ही है, पूरे में सिंचाई हुई हुई है, पानी ही है, धूप नीचे पड़ती नहीं है, तो यहाँ का तापमान ठंडा अच्छा रहता है। अगर आप केले के बगीचे के बीच से जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ठंडा। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। अब हम गिरनार गुहा आश्रम से आगे आ रहे हैं। किनारे किनारे नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। बहुत खड़ी चढ़ाई उतराई थी, गिरते गिरते बच्चा नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नर्मदी है नर्मदी है। यहाँ से गांव कितनी दूरी है या कितना वो है ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी मैया घुमा के होता है तो वो ज़्यादा पड़ता है। कभी रोड का रास्ता छोटा पड़ता है, कभी ये नदी किनारे किनारे का रास्ता छोटा पड़ता है, तो कौन कितनी किलोमीटर पड़ता है ये बता पाना मुश्किल होता है कि यहाँ से गांव कितनी दूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड या कुछ लगा तो होता नहीं। और अगर केवल कितना चले हैं ये अंदाज़ा लगाएंगे तो भी ये नहीं बता सकते कि कौन सी जगह है,
जब कोई बीच में स्थान मिलता है जो तट के किनारे होता है तो वही मिल पाता है, उसी से थोड़ी बहुत जानकारी हो पाती है। यहाँ से गांव कितनी दूरी है ये नहीं पता चल सकता। नर्मदे है पर जो भी है मैया के किनारे चलने का आनंद सुख तो मिलता ही है। नर्मदे है। अगर किनारे चलने में थोड़ी तकलीफ भी हो जाती है, दिक्कत भी होती है, तो भी कोई विशेष वो बड़ी बात नहीं होती। मगर दूर चलने में सुविधा होती है, आसानी होती है, फिर भी मन नहीं होता, क्योंकि वो तो सब जगह आप जा सकते हो कहीं भी रोड से, पर जो मैया के दर्शन होते हुए जाते हैं उनका ध्यान सारा आपका एकाग्र होकर उन्हीं में रहता है और नर्मदे सर का जाप चलता रहता है, तो यही तो पैकमा का आनंद है। इसीलिए ज़्यादा करके कोशिश अपनी, मतलब सबकी अलग अलग सुविधा अनुसार अवस्था परिस्थिति के हिसाब से होता है, मैं सिर्फ अपनी ही बात कर रहा हूँ, किसी को वो नहीं कह रहा हूँ ऐसे करनी चाहिए ऐसे नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए कि जितनी हो सके कोशिश मैया के किनारे। नर्मदे है। आगे लगता है गई भैंस पानी वाला डायलॉग हो गया। नर्मदे है। जी यहाँ पे अभी भैंसें बीच बैठी थी और जो भैंस निकालने वाला थे वो निकाल रहे थे, भैंस निकल नहीं रही थी, तभी मैं कहा गई भैंस पानी, फिर घुस के उन्होंने निकाला तो निकली और आगे का हमें रास्ता बताया, कहा आगे से मैया मुड़ जाती हैं, अगर रोड से जाओगे तो बहुत पास पड़ेगा, अगर घूम के जाओगे तो बहुत दूर पड़ेगा, मतलब इस किनारे जाओगे तो बहुत दूर पड़ेगा और रोड से जाओगे तो बहुत पास पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं किनारे ही जाना है, छोड़ना नहीं है। ये पूछा रास्ता जाने लायक है ना, जाने नहीं जा सकते हो, बस क्या है थोड़ा तो दूर पड़ेगा, तो अपने कहे नहीं अपने मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, दूर पास का है, अगर 10 किलोमीटर में यह ज़्यादा लंबी होती तो भी जाता ही ना, तो किनारे का रास्ता है तो ठीक है, अगर जाने भर का रास्ता हो, कहे नहीं जाने पैदल जाने भर के लिए रास्ता खूब है, अच्छा बस तुम जाओ सीधे पहुँच जाओगे। नर्मदे है। मैं बस जब भी चलता हूँ किनारे कोई गांव का मिलता है या वो पूछते हुए जाता हूँ रास्ता, सिर्फ ये पूछता हूँ कि किनारे से जाने का रास्ता है कि नहीं, वो ढेर सारे रास्ते बताते हैं, इधर से जाओगे ऐसे पड़ेगा, वैसे पड़ेगा, रोड से जाओगे ये होगा, और मैं सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ किनारे से जाने का रास्ता है कि नहीं, दूर पड़े पास पड़े कोई दिक्कत नहीं, अभी रोड से जाने में बहुत ही कम दूरी पड़ेगी उन्होंने बताया, और इधर से जाने के बाद बहुत घूम के जाना पड़ेगा मैया किनारे, क्योंकि मैया आगे जाके घूम के फिर सीधी, मतलब कई जगह पर, तो मैं कहा नहीं कि मैया के दर्शन करते हुए नर्मदे हर करते हुए ही जाना है। नर्मदे हर क्योंकि जब तक मैया किनारे चलते हैं तो आनंद भी रहता है और सारी ऐसा लगता है कि परिक्रमा कर रहे हैं, और जैसे ही किनारा छूटता है रोड पे जाते हैं तो लगता है कि कहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं, यहाँ कर क्या रहे हैं, तो इसीलिए दूर पड़े ठीक है, दूर हो या पास हो परिक्रमा किनारे की करनी है। नर्मदे है। जब तट के किनारे से चलते हैं तो लगता है कि अपने घर में ही हैं, और जब तट से छोड़ के रोड पे चलते हैं तो लगता है कहीं गए हुए हैं, भटक रहे हैं, कहीं वापस जाना है अभी, तो जब तक किनारे पे नहीं आ जाते तब तक ऐसा ही लगता है शायद अभी छोटे छोटे वो देखे तो ऐसा लग रहा था कि
मगरमच्छ के बच्चे ऐसा लग रहा था, हो सकता कोई और जीव हो, क्योंकि वो दौड़ के पानी में गया। नर्मदी है, नर्मदी है, और अचानक जाके पानी में गया। और बहुत छोटे थे, मैंने कभी मगरमच्छ के बच्चों को नहीं देखा है, तो मैं कह नहीं सकता कि वो ही हूँ। पर जिस स्पीड से वो गए थे सूखे में से पानी में, क्योंकि कोई भी जीव मुझे नहीं पता है जो मगरमच्छ के अलावा जो सूखे में भी जा सकते हैं पानी में भी, वो भी इतनी तेज़ी से जाके पानी में चले जाए। हैं तो बहुत सारे, मगर इतनी तेज़ी से। नर्मदे है, नर्मदे है, अगर ऐसा होगा तो आगे भी दिख ही जाएंगे बाल गोपाल मगरमच्छ के। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये रात में यहाँ पे कुछ रुकते हैं लगता है, इसीलिए झोपड़ी बना रखी है। या गांव का तट हो सकता है, या गांव के लोग यहाँ आते होंगे तो थोड़ी देर बैठने के लिए धूप में, या भोजन प्रसादी के लिए, या कोई काम हो, क्योंकि नावें बहुत ढेर सारी हैं। लकड़ी की नाव में अगर ज़रा सा भी छेद या कुछ होता है तो उसमें पानी भर जाता है, और फिर वो डूब जाती है, फिर उसे पानी पूरा निकाल के तब फिर आगे चलाया जाता है। लेकिन ये सब डूबी हुई नाव है, ऐसे ही डूबी हुई नाव मुझे बहुत मिली है रास्ते में, इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ज़रा सा लीकेज होती है तो खड़े 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 पानी के प्रेशर से पानी भर जाता है। नर्मदी है। इधर ऊपर खेत है, बीच में गिट्टी पत्थर और किनारे नर्मदा मैया। नर्मदी है। इस तरह शांति वाली जगह चलने में बड़ा आनंद आता है। नर्मदे नर्मदे। कितने भी कष्ट हो गुनगुनाते रहो, हर घड़ी हर समय बस। ये गिट्टियों से भरा पूरा मैदान बहुत दूर तक है। इन गिट्टियों पे चलने में यह छोटी छोटी है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर अगर ज़्यादा छोटी होती तो पैर धंसते, और अगर ज़्यादा बड़ी होती तो चलने में दिक्कत होती। तो एकदम संतुलित मात्रा में ही है कह सकते हैं। नर्मदी है। क्योंकि बीच बीच की झाड़ियाँ जब कभी जल भराव होता है तो ये सभी जगह पानी भर जाता है, जैसे बरसात में, चतुर्मास में। तो ये पूरा कटान, ऊपर मिट्टी की कटान दिख रही है, पता चल रहा है कि हाँ ये पूरा ही जल भरा होगा। नर्मदी है। देखिए यहाँ पे गर्म पानी धूप की वजह से गर्म हो गया, और उसमें से भाप निकल रही है गर्म, तो वो आँखों से दिख रही है। कैमरे में आ रही है कि नहीं आ रही नहीं पता, क्योंकि पानी रुका हुआ है, धूप की वजह से गर्म हो गया। अगर बगल की गिट्टी भी पत्थर गर्म हो गए तो वो एक अजीब सा, जब लोटे गर्म हो जाती है तो हिलता हुआ दिखता नहीं, वैसे ही यहाँ पर भी दिख रहा है। नर्मदी है।
मैंने कहा था आपको, पहले बताया था कि नर्मदा जी दो हिस्सों में हो गई हैं, तो एक हिस्से किनारे में आ रहा हूँ, एक हिस्सा इसे आगे से आके यहाँ पे मिल गया है, मतलब मैया उस तरफ घूम गई है। तो ये पूरा खाली, यह खाली हो गया है, और जो उस साइड की थी जो गिरनार के पास से दिख रही थी दो तरफ, वो यहाँ पे एक हो गई है। नर्मदी है। ये बीच बीच में जो हरी हरी झाड़ हैं ये बड़ी आनंददायक दिख रही हैं, बहुत सुंदर दिख रही हैं। नर्मदी है। ये हरी हरी झाड़ियाँ बीच पे बहुत ही सुंदर लग रही हैं। देखिए पूरे एक तरफ सूखा हुआ एरिया, एक तरफ ये हरी हरी झाड़ियाँ। नर्मदी है। ये वैसे ही देखने में बड़ी सुंदर लग रही हैं, और बीच में है एक ऐसा टापू जैसा बना दी है। नर्मदी है। अगर यहाँ पानी भरा होता तो ये टापू के ऊपर की झाड़ियाँ हो जाती। नर्मदी है। देखिए बीच का जल कितना साफ है, कितना निर्मल। नर्मदी है। ये इस समय ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। चारों तरफ मैदान और रेत ही रेत, दूसरे ग्रह पे, दूसरी उस पे आ गया हूँ। ग्रह तो नहीं कह सकते मगर दूसरी द्वीप पे आ गया हूँ। कोई नहीं है, चारों तरफ शांति ही शांति। नर्मदी है। दूर दूर तक कोई नहीं है, पर नर्मदा मैया है। ये रेत का मैदान है, थोड़ी झाड़ियां हैं और ढेर सारी गिट्टी का भी मैदान है। नर्मदी है। देखिए इस समय मैया उस साइड किनारे चली गई है। नर्मदी है। हम इस तरफ से आए हैं और ये मैया यहाँ से घूमती हुई इधर से घूम के इधर हो गई। नर्मदी है। हम इस तरफ जा रहे हैं। नर्मदी है। यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है मैया का, कि वो पूरी गोलाई से घूम के वापस ही हो गई। अगर हम सीधे उधर से उधर जाते तो आसानी से बहुत दूर पहुँच जाते, मगर हम घूम के गए हैं फिर मैया के किनारे किनारे चलने के लिए। नर्मदी है। जब मैया पूरे में रहती हैं, पूरे बाढ़ में हर तरफ जब मैया का जल होता है तब ये किनारे का रास्ता यही होता है। नर्मदी है। इसी पगडंडी से किनारे किनारे सब लोग जाते हैं, हम भी इसी से अब जाएंगे। नर्मदी है। हम उसी पगडंडी के सारे जा रहे हैं किनारे किनारे। नर्मदी है। ये पूरा विशाल मैदान मैया का ही क्षेत्र पड़ता है, नदी का ही, पर अभी जल न होने की वजह से सूखा हुआ है। और इसी किनारे किनारे पगडंडी से ही
पैजमा करते हैं। नर्मदे नर्मदे, अगर मैया होती अभी इस तरफ से होती जैसे उस तरफ चली गई हैं वो इस तरफ होती तो हमको यहाँ से ही जाना पड़ता। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, ये विशाल क्षेत्र सब नर्मदा मैया की जलराशि का ही क्षेत्र है। नर्मदे नर्मदे, पर अभी जल कम होने की वजह से और उस साइड होने की वजह से ये पूरा सूखा हुआ है। ये एकदम किनारे किनारे है, उस तब बालू बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम तट के किनारे किनारे चल रहे हैं, क्योंकि बीच से चलने में भी बालू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो चलने में बड़ी दिक्कत होती है, टाइम भी बहुत लगता है। तो हम ये किनारे किनारे जो बना हुआ है पैकमा का रास्ता, हम उसी से चल रहे हैं। नर्मदे नर्मदे, नर्मदे नर्मदे, ये भुगेश्वर शिव जी हैं। यहाँ के शिव जी का नाम है भुगेश्वर महादेव, गलत पढ़ रहा हूँ, कहीं और लिखा हुआ है, वो है भेगेश्वर अब और एक सिंगेश्वर। अभी कोई आता है तो फिर मिलता है तो उससे पूछता हूँ, क्योंकि ये गुजराती में लिखा है तो इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ। नर्मदे है, पहले दर्शन कर लेता हूँ फिर पूछते हैं। नर्मदे नर्मदे, ये आम के बगीचों के बीच में ये बेलपत्र बेल का पेड़, बहुत सारे बेल इसमें लगे हुए हैं। नर्मदे है नर्मदे है, शिव जी का आश्रम शिव जी का मंदिर हो और अगर बेल का पेड़ ना हो ऐसा बहुत मुश्किल ही होता है, क्योंकि बेल के पत्र उनको चढ़ाते हैं इसलिए बेल का वो चढ़ाता है। कुशेश्वर महादेव जी हैं, एक भक्त जिसका नाम कुशेश्वर था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, उसने इसकी स्थापना की इसलिए इसका नाम कृष्णेश्वर है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय महादेव जय महादेव जय महादेव। ये भक्त करीब 200 साल पुराना मंदिर है। जय बाबा जय। वो यहाँ पर रहते थे और उन्होंने ही इसकी स्थापना की और ये जोगेश्वर कुटी में है। नर्मदे है नर्मदे, ये गिरनार ये वहाँ से 5 किलोमीटर आगे है। नर्मदे है नर्मदे है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव जी के मंदिर में बेलपत्र और बेल का बड़ा महत्व है, इसमें बेल ही बेल लगे हुए हैं। जय हो जय हो जय हो जय। देखिए फूलों का बगीचा लगा हुआ है भैया। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है, केले का बगीचा। नर्मदे है नर्मदे है,
नर्मदे ये मंदिर के बगल के केले का बगीचा है। नर्मदे नर्मदे ये कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर है। अब हम इस यहाँ से आगे बढ़ते हुए केले ऐसे लटके हुए हैं, वाह देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। सब लाइन वाज से केले हैं। केले ही केले। नर्मदे 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 है ये मैया। फिर दोबारा घूमती हुई उस साइड से ही पूरा एक गोल चक्कर सा बनता हुआ। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है इस तक पूरी घूम गई है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है ये इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर और साथ में शायद आश्रम भी है। नर्मदे है नर्मदे है ये मंदिर गांव से बाहर ही बना है। ये इंदौर गांव का नाम है इंदौर और इंद्रेश्वर मंदिर है। शायद यहाँ इंद्र जी ने तपस्या पूजा की है इसीलिए इसका नाम इंद्रेश्वर है। आइए चलते हैं इंद्रेश्वर मंदिर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर ये इंद्रेश्वर मंदिर। अरे वाह ये है इंद्रेश्वर आश्रम मंदिर। बहुत ही बड़ा बहुत ही सुंदर पुराना लग ही रहा है ये मंदिर। केवल था इसके ऊपर छत डाल के इसको आश्रम भी चारों तरफ बना दिए कि पैठमावासी और महात्मा कोई आए तो वो रुक सकता है आराम कर सकता है। नर्मदे नर्मदे है बहुत अच्छा। पूरे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है चौपाई के रूप में। नर्मदे हर नर्मदे हर मत नर्मदे हर ये रावण के दस मस्तक के बांध दिया हुआ है। गमन कोट अत्याचार विवेक स्वार्थ दुराग वैराग हीनता कपट बल का दुर्योग व्यविचार। नर्मदे है पूरे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है काफी बड़ा है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदा मैया। नर्मदे है नर्मदे है ये इंद्रेश्वर का वो है के बारे में दिया हुआ है। ये श्लोक दिया हुआ है और इसके नीचे अर्थ भी दिया हुआ है। जिसका मन क्षण भर भी ब्रह्म विचार में लग गया हो उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया पृथ्वी नहीं अनंत कोटि में महान का दान कर लिया सहस्त्र लाखों यज्ञ कर लिया और सब देवताओं की पूजा का अर्ची कर ली केवल अपने पितरों की ही नहीं त्रिलोक का उद्धार कर लिया वह त्रिवन में पूजनी है। जिसका मन क्षण भर में ब्रह्म विचार में लग गया। नर्मदे है नर्मदे है इसमें दिया हुआ शायद कुछ कुछ समझ में कोशिश कर रहा हूँ कि इसने वित्तासुर को इंद्र ने जब मारा तो ब्रह्म हत्या लगी तो उन्होंने यहाँ पे आके
तपस्या की होगी, यही है, ऐसा ही कुछ है। नर्मदे है, नर्मदे है, ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा परमेश्वर परम ज्योति अमूल मोच के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, दूसरा ये गुजराती में है इसलिए समझ में नहीं आ रहा जाता, तो ये भगवान के विषय में ही कई कालों का दिया हुआ है सब मिला के नीचे पादर्शन ब्रह्मांड नर्मदी है, नर्मदी है। यहाँ इनके महात्मा जी की मूर्ति लगी हुई है गंगा के पास, नर्मदी है, नर्मदी है। ये मैया की तस्वीर पेंटिंग लगी हुई है, और यहाँ शिव परिवार नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ सब जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे सब वो लिखे हुए हैं, नर्मदी है, नर्मदी है। अब तक के सबसे बड़ी नंदी महाराज और नंदी महाराज जी छोटे पीछे भी बने हुए हैं, बड़े स्वरूप छोटे स्वरूप में कश्यप जी बहुत छोटे हुए हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, जय हो, ओ नर्मदी है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये इंद्रेश्वर जी का मंदिर है, इंद्र भगवान ने पूजा की थी यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो पुराने मंदिर हैं उनके शिवलिंग शेप में नहीं होंगे, वो एक पत्थर के हिसाब से होंगे। वो शायद इसलिए कि उस समय नर्मदा जी में जो भी पत्थर, सारे पत्थर ही शिव माने जाते हैं, तो उन्हीं को शिव मान के स्थापित कर दिया गया है। तो उस समय केवल भाव की प्राथमिकता थी इसलिए ऐसा हो, या फिर हो सकता है वो शिवलिंग रूप में ही रहे हो मगर समय की मार की वजह से ये इस रूप में आ गए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है।
ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आवाज़ मंदिर ऐसी है कि गूंजती है, वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगता है किसी हॉल में बैठकर माइक से बोला जा रहा है और बहुत महंगे डेक से आवाज़ आ रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए आवाज़ शब्द निकलने के बहुत देर बाद तक गूंजते रहते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसकी बनावट ऐसी है, देखिए कितनी ऊंचाई पे है, बहुत ही ज़्यादा, ये 3 मंजिले से ऊपर का है। और ये जो मंदिर है वो बहुत नीचे है। मंदिर वास्तव में बहुत पुराना है और शिवलिंग और जो उसका बहुत ही सुंदर और बड़ा है। नर्मदे है, नर्मदे है। इंद्र देवताओं के राजा थे तो इसी मंदिर उसी हिसाब से बनाया गया है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इनकी कितनी ऊंचाई पे जाने के बाद ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखिए अंदर आवाज़ ऐसे गूंज रही थी जैसे स्पीकर से बड़े ही उसमें बुलाया जा रहा। अभी कोई ज़्यादा है नहीं, सब लोग शॉर्ट रास्ते से आए और जल्दी से चले गए। ये आश्रम मंदिर तो बहुत बड़ा है, आश्रम मंदिर ये तो बहुत बड़ा सा है। नर्मदे है, नर्मदे है, ये नर्मदा मैया की मूर्ति। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है मैया, तेरे नाम का प्रताप सुना है, तेरी लहरों से वो अलाप सुना है। मैया तेरे नाम का प्रताप सुना है, बहुत सुंदर लहरों से वो अलाप सुना है। पापियों के कट गए पाप सुना है, पापियों के कट गए पाप सुना है, नीचे जल भरा हुआ है, मिट गए संताप सुना है। जयति जय मातु नर्मदे, जयति जय मातु नर्मदे। बनी रहे हम जिनको मैं कह रहा था दृष्टि की मगर के बच्चे हैं, ये मेंढक ही है, वही पानी में आएगा, शरण पाएगा, जमीन पे आसानी से जो रेवा माँ के गुण गाएगा, तेजी से नर्मदे आएगा, शरण पाएगा, मन से जो रेवा माँ के गुण गाएगा, श्रद्धा सद्भाव से जो सर झुकाएगा, श्रद्धा सद्भाव से जो सर झुकाएगा, खाली हाथ आया है खाली न जाएगा। जयति जय माँ तु नर्मदे, जयति जय माँ तु नर्मदे, बनी रहे हमके दया दृष्टि माँ। मैया तेरी अनोखी मगर सवारी है, सिद्ध नदियों में तेरी महिमा न्यारी है। मैया तेरी अनोखी मगर सवारी है, सिद्ध नदियों में। मूर्ति ऐसी लग रही है मैया की, लगता है बस अभी बोल देंगी। बहुत ही सुंदर मूर्ति, भाव ऐसे मूर्ति में दिख रहे हैं जैसे लगता है बस बोलने वाली हैं। ऐसा लगता है साक्षात खड़ी हैं, बोलने वाली हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, जय हो मैया, जय हो मैया। मैया की मूर्ति देख के बड़ा आनंद आ गया। जय हो नर्मदे मैया, जय हो नर्मदे मैया। ये आश्रम वही इंद्रेश्वर महाराज जी को। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये शायद हनुमान जी की मूर्ति है। जय बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। पेड़ बेल का था, सूख गया शायद। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे।
गणपति गणपति हाँ हाँ ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए एकदम दीप गणपति गणपति ये मंदिर नर्मदे है बाबा जी नर्मदे है। ये ऊपर का मंदिर है नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है ये ऊपर से देखिए कितना ऊपर है। हम एक फ्लोर पे ऊपर आ गए उसके बाद भी ये इतना ऊंचा है, तीन फ्लोर का इसकी ऊंचाई होगी कम से कम। नर्मदे है नर्मदे है आसन बहुत अच्छा बना हुआ है। नर्मदे है नर्मदे है यहाँ भी आसन लगाने की जगह है, धुना भी है। नर्मदे है नर्मदे है ये बाथरूम सब हर चीज़ की व्यवस्था एकदम अच्छी सी है। नर्मदे है नर्मदे है ये इंदर नर्मदे है नर्मदे बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये एक फ्लोर पे आने के बाद भी इतना ऊपर है और एक वो जमीन के नीचे भी है तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है उदासीन चार उदासीन चार ये जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जय हो। ऊपर भी मंदिर है नर्मदे है नर्मदे है ये नर नारायण लग रहे हैं नर नारायण भगवान और ये राम जी का दरबार लग रहा है। आगे का तो बना नहीं है पता नहीं चल रहा है, ये शायद रामचंद्र श्री रामचंद्र जी है। जय हो प्रभु जय हो जय हो जय हो। ये वो राम जी यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है जो अयोध्या के वो थे, ये राम जी उदासीन राम जी ने देखिए यहाँ पे भी वो बनी हुई है एक कोठी कि आराम से बैठ के साधना करने के लिए। नर्मदे नर्मदे गुफा टाइप की बनी हुई है। नर्मदे 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 बहुत ही हिसाब से बनाया गया है इसे। नर्मदे ये गांव से काफ़ी दूर है तो इसलिए शांति भी है। नर्मदे है नर्मदे है आश्रम इतना बड़ा है कि कब से मैं घूम ही रहा हूँ और ज़्यादा जगह जा भी नहीं रहा हूँ फिर भी। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है ये देखिए हम लोग आ गए दूसरे फ्लोर पर आ गए फिर भी देखिए कितने ऊपर है अभी भी एक फ्लोर कम से कम तीन चार फ्लोर का हो गया। यहाँ भी कुटिया बनी हुई कमरा है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है बहुत ही सुविधाजनक बहुत ही ये पानी की टंकी भी है कोई महात्मा अगर यहाँ रुक रहे तो पानी की व्यवस्था भी हो जाए। नर्मदे है नर्मदे है बहुत ही सुंदर आश्रम मंदिर। अभी बहुत सारी जगह है यहाँ पे है जो यहाँ पे हम गए नहीं और आप दूर से ही देख सकते हैं कि कितना बड़ा कितना विशाल है आश्रम। बिल्डिंगें तो बहुत सारी होंगी ये भी अच्छा बना हुआ है मगर यहाँ कोई है नहीं महात्मा भी। नर्मदे है नर्मदे है
एक मंदिर शायद वो भी है, नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। नर्मदे है नर्मदे है। देखिए ये शाम हो गई, बनर राज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। नर्मदे है, आज भोजन प्रसादी नहीं हुई क्या? हुआ नहीं हुई सचमुच में। नर्मदे है, हम इंद्रेश्वर मंदिर के पास हैं,